आज हम बनाने जा रहे हैं खरवस, जिसे हम हमारी कोकनी लैंग्वेज में चिका या फूस भी बोलते हैं। हमने ये खरवस के पैकेट लिए हैं, ये आपको किसी भी किराना माल की दुकान में मिल जाएंगे। 200 ग्राम हमने शक्कर ली है, 1 कप मिल्क पाउडर, हमने 1 लीटर दूध लिया है, 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा सैफ्रॉन। सबसे पहले हम मिक्सर में दूध डालेंगे, उसके बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे, दूध पाउडर, खरवस पाउडर डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने तक इसे फेंट लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे, 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे, हमें बर्तन थोड़ा साइज में बड़ा लेना है क्योंकि हमें इसे स्टीम पर पकाना है। हमें कम ही रखना है, इसके तह तक ही रखना है, पानी डिब्बे के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब हम इसमें हमारा डिब्बा रखेंगे और उसे हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। हमें इसे एक ढक्कन से ढक देना है और उसके ऊपर कोई भी वजन रखना है और इसे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम आइए देखते हैं। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे।